हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिना ब्रेड का टोस्ट सैंडविच बताने वाली हूँ और इसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो सबसे पहले हमें आटे को भूनकर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पर पैन चढ़ाया है। आज को जो है हम धीमा रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, इसे इसमें डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून के लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अगर आपको सुबह ज़्यादा जल्दी रहती है तो आप इसे एक रात पहले भी इस तरह से भून कर रख सकते हैं। अब आटे में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है और साथ ही में इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसे गैस से उतार देते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम 1/4 कप सूजी यानी कि रवा लेंगे और इसे भी धीमी आंच पे भून कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बिना भुने भी ले सकते हैं, बट अगर इसे इस तरह से भून के लेते हैं तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल टोस्ट सैंडविच की तरह ही आएगा। ये देखिए, सूजी में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और सूजी को हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने आटा निकाला था। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सूजी और आटा अच्छे से ठंडे हो गए थे तो इन्हें मैंने एक बाउल में निकाल के ले लिया है। तो अब हम इसका बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसी में हम 1/2 कप दही लेंगे। इसके लिए अगर आप थोड़ी खट्टी दही का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स यानी कि गुठली ना रहे। मैंने यहाँ पे जो दही के लिए कप इस्तेमाल किया था उसी कप में मैं पानी डालकर ले रही हूँ, जिससे कि कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप पानी डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी यानी कि रवा लिया है। अगर आप मोटी वाली सूजी लेंगे तो आपको पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी। मेक श्योर हमारा जो ये बैटर है वो पानी की तरह एकदम पतला नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, सेमी थिक बैटर बनकर रेडी है। तो अब हम इसे थोड़ा फ्लेवर दे देते हैं, साथ ही में इसे और हेल्दी बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, फिर हम इसमें 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो इसके बजाय कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 गाजर को छीलकर उसे कद्दूकस करके लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 1/2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 बड़ा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ धनिया। इसमें सब्जियों की जो क्वांटिटी है उसे आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो हमारा ये बैटर बनकर अब रेडी है। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो इसे हम ढक देते हैं और ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी और जो मिक्सचर है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है हल्का गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप चाहो तो 1/2 छोटा चम्मच इनो का भी यानी कि फ्रूट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने से बैटर में टोटल 4 से 5 टोस्ट सैंडविच आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर आपको 2 ही सैंडविच बनाना है तो आप उतना ही बैटर इसमें से निकाल के ले और उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर फिर उसके सैंडविच बना ले, और बाकी के बैटर को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो बैटर है वो 2 से 3 दिन तक ऐसे ही अच्छे से रहता है। तो ये हमारा बैटर अब बनने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने इस तरह का टोस्टर लिया है और इस तरह का टोस्टर ज़्यादातर आपको जो कि रोड साइड पे जो सैंडविच के स्टॉल होते हैं वहाँ पे नज़र आता है। ये आपको कोई भी सुपरमार्केट में या बर्तन के शॉप में आराम से आपको ये मिल जाएगा और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसे बटर या घी से ग्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो बटर भी ले सकते हैं। गैस को हम ऑन करेंगे और इसे हम एकदम धीमा रखेंगे। अब हम इसमें बैटर डाल देते हैं और इसे हमें पूरा कम्प्लीटली भरना है,
जहाँ तक इसके जो किनारे है वहाँ तक हमारा जो बैटर है उतना होना चाहिए। तो ये देखिए इसे मैंने भर दिया है। अब हम इसे ढक देते हैं और धीमी आंच पे इसे हम एक मिनट के लिए पकने देते हैं। एक मिनट हो गया है, इसे पलट देते हैं। ये देखिए ये हल्की पक गई है और अच्छे से सेट भी हो गई है। तो इसी तरह से अब हम दूसरी साइड से दो मिनट के लिए पका लेंगे। और ध्यान रहे कि आंच को जो है हम धीमा ही रखेंगे, वरना अगर आपने बड़ी आंच पे इसे बनाया तो ये ऊपर से पक जाएगा बट अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसे धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए अलटते पलटते हुए ही हम पकाएंगे। ये देखिए 6 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने अलटते पलटते पकाया है और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट हमारा सैंडविच जो है बनकर रेडी है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये ब्रेड से नहीं बना हुआ है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसके ऊपर आपको ये जो ब्राउन स्पॉट नज़र आ रहे जो कि नॉर्मली हमारे सैंडविच में नज़र आते हैं उसी तरह के स्पॉट आ गए, यानी कि ये अंदर से अच्छे से पक गया है। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे का सैंडविच बनकर रेडी है। इसे आप सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही खाने में टेस्टी है, हेल्दी है और सबसे ज़्यादा बनाना आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है ना तो इस रेसिपी को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही में जितना हो सके उतना आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट पर शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने रे किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि इस तरह की आसान सी और हेल्दी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।